फ्रेंड्स, अगर आप टैली प्राइम 4.1 या उससे ओल्ड रिलीज यूज कर रहे हैं और आप अपने डेटा को टैली प्राइम रिलीज 5.0 में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब अभी तक क्या होता था, जब आप डेटा को न्यू रिलीज में यूज करते थे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता था आपको डेटा के साथ माइग्रेशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अपने डेटा को माइग्रेट करना होता था न्यू रिलीज में। लेकिन अब अगर आप डाटा को न्यू रिलीज में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइग्रेट नाम से आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप डाटा को न्यू रिलीज में अपडेट करना चाहते हैं 5.0 में, तो आपको मैं बता दूं कि बैकअप आपका बनाना जरूरी है, क्योंकि एक बार डाटा 5.0 में आ गया तो उसके बाद अगर आपको उस डाटा को किसी भी वजह से ओपन करना है पुरानी रिलीज में तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपने बैकअप बनाया है तो वो आपके काम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा मेरे सामने है और ये जो आप टैली देख रहे हैं ये 5.0 है। इसमें जब मैं इसको एंटर करूंगा डाटा को तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑन लोडिंग द कंपनी डाटा वर्जन विल गेट चेंज्ड एंड बिकम इनकम्पेटिबल विद प्रीवियस रिलीज ऑफ टैली प्राइम। तो यहाँ पे बैकअप बनाने के लिए हमें एडवाइस की जा रही है। तो यहाँ पे हम बैकअप कहाँ बनाना चाहते हैं वो लोकेशन हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप बैक करके यहाँ पे लोड कंपनी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही डाटा आपका लोड हो तो आपका डाटा न्यू रिलीज में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।